एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक बनियाखेड़ा में स्थित गांव पीपली पड़ा। लगभग 5000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 11 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान अंजुम जहां हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा विकास की अनदेखी करना गाँव को विकास के पथ से भटका रहा है। क्योंकि बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 100 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात अगर जूनियर हाई स्कूल की करें तो गांव में एक भी जूनियर हाई स्कूल नहीं है। इतना ही काफी है कि विद्यालय में सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था की बदहाली बयां हो सके। हम यह भी कह सकते हैं कि आज भी लगभग सभी ग्राम पंचायत अपनी मूलभूत सुविधाएं पाने के लिए आज भी तरस रही है, क्योंकि इस गांव में ना तो स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही पानी की टंकी है, ना ही जूनियर हाई स्कूल और ना ही पानी निकासी को ठीक कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में समय से धनराशि न मिलने के कारण गांव का विकास रुका हुआ है। वहीं जब ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों को देखा गया तो पता चला कि ग्राम प्रतिनिधि से वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्कूल की बाउंड्री, आवासीय कॉलोनी, शौचालयों का निर्माण कराया है, तथा साथ ही साथ ग्राम प्रधान ने राज्य में केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द धनराशि आवंटित कर रुका हुआ विकास कार्य पूर्ण कराया जाए। ग्राम पंचायत अंजुम जहां प्रधान अति सज्जाद हुसैन, ग्राम पंचायत पीपली, बनियाखेड़ा ब्लॉक हमारा, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद। इसमें हमने काम करा है, सड़कों का आवास दिलाए हैं, सूर्य लाइटें लगवाई हैं, स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं खम्भ वाली, और स्कूल की बाउंड्री कराई है, स्लिप वगैरह पढ़वाए हैं। इसमें हमें अभी और पैसे की ज़रूरत है, हमारे लिए पैसा आना चाहिए, टंकी की भी ज़रूरत है, और तुम्हारे की पंचायत घर की भी ज़रूरत है, स्वास्थ्य घर की भी ज़रूरत है, और बारात घर की भी ज़रूरत है, और हाई स्कूल हमारे गांव में हाई स्कूल बनना चाहिए, इसलिए हमारा गांव शिक्षा से पीछे है। और अभी जो है कोई पेंशन वगैरह भी नहीं मिल रही हमारे, उसमें जो पहली हैं 10-20 वो मिल रही हैं, बाकी कोई पेंशनों की सुनवाई ना हो रही, अधिकारी इधर से इधर टाल देते हैं, कोई काम नहीं करके दे रहे हैं।